एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जो यहाँ पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लैश ऑफ कैंस की स्ट्रेटजी, जो आपको 3 स्टार्स दिला सके बिल्डर बेस एज वेल एज अपने टाउन हॉल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैका बोबैट स्ट्रेटजी, जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके अगर आपका फनल सही हुआ तो। उसमें हमने क्वीन वॉक किया था, इलेक्ट्रो ड्रैगन और बारबेरियन किंग से फनल क्रिएट किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आज की स्ट्रेटजी की तरफ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बिल्डर बेस की एक ग्राउंड स्ट्रेटजी, जो पहली वाली से बेहतर है और इससे आपको कई बार 3 स्टार्स भी मिल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी आर्मी, मैंने यूज़ की है 8 जायंट्स, 5 बॉम्बर्स यानी कि वॉल रैकेट भी बोल सकते हैं, 1 सुपर पैका और 6 कैनन कार्ड्स, और हीरो है हमारा बैटल मशीन लेवल 30 का। इस लास्ट स्ट्रेटजी में मैंने यूज़ किए थे 4 पैकास, उसी की जगह मैंने थोड़े जायंट्स ले लिए हैं। जायंट्स के हिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा डैमेज ले लेंगे और पीछे हमारे कैनन कार्ड्स और पैकास और हमारा बैटल मशीन सेफ रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ। ओह, ये देखिए आप, हमें मिला एक फुल ऑन 9 मैक्स बेस। हम इस पे अटैक करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और तो आप सोच ही सकते हैं स्ट्रेटजी कितनी यूजफुल है। ये फुल ऑन एक 9 मैक्स बेस पे हम अटैक कर रहे हैं जबकि मेरे ट्रूप्स मैक्स ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप, मेरा जायंट 16 का है लेवल और पैकर लेवल 17 का है। सिर्फ मेरा कैनन कार्ड मैक्स है और बैटल मशीन। चलिए फिर करते हैं हमारा अटैक। पहले हम डालेंगे 4 जायंट्स, फिर बॉम्बर्स, फिर पैका और हीरो बैटल मशीन और फिर हमारे कैनन कार्ड। फिर हम डालेंगे बाकी के 4 जायंट्स, बॉम्बर्स अपना काम करेंगे और वॉल्स को क्लियर करेंगे और हमारे जायंट आगे जाके मेगा टेस्ला और रोस्टर के शिकार बनेंगे और हमारे पैका और बैटल मशीन सेफ है। पीछे हमारा कैनन कार्ड भी सेफ है और ये रोस्टर हो चुका है डिस्ट्रॉय। यहाँ आप देख सकते हैं कैनन कार्ड टाउन हॉल के पीछे पड़ा है और ये पैका बाहर निकल गया है और जायंट्स हमारे वॉल्स तोड़ने में बिजी है और एक कैनन कार्ड पूरा सेफ है जो अब क्रशर को ले जा रहेगा। और ये बॉम्बर ने वॉल्स तोड़ दिए तो हमारे जायंट्स अंदर जाएंगे और बाहर की ओर पैका और बैटल मशीन वे क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक कैनन कार्ड, अंदर हमारे जायंट्स डिफेंसिस को क्लियर आउट कर रहे हैं। ये फुल ऑन एक मैक्स बेस है और हमारे ट्रूप्स इस बेस को देखिए आप तोड़ते हुए। और ये भी 2 स्टार्स हमें मिल चुका है। ये पैका भी एक बचा है, 2 स्टार और 74% डैमेज। और ये पैका के ब्लास्ट ने क्लियर कर दिया है डबल कैनन को 76% के साथ। हमने इस बेस को डैमेज दिया है। अब देखिए ओपोनेंट ने क्या किया होगा। ओपोनेंट ने 52% डैमेज दिया था तो हम ये वर्सेस बैटल जीत चुके हैं। चलिए देखिए ये 3 स्टार एक अटैक हुआ है मेरे से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने डालने 4 जायंट्स, फिर बॉम्बर्स, फिर कैनन कार्ड्स, पैका, बैटल मशीन, फिर बाकी के 4 जायंट्स। बॉम्बर्स वे क्लियर करेंगे जिससे जायंट्स, पैका और बैटल मशीन अंदर जाएंगे। कैनन कार्ड्स चारों तरफ से अटैक करेंगे। ये देखिए मेगा टेस्ला पे जायंट डिस्ट्रॉय करने वाले और एक क्रशर डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेगा टेस्ला को जायंट सर कैनन कार्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरा क्रशर कैनन कार्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया और ये हमारे एक कैनन कार्ड टाउन हॉल के पीछे पड़ा है और बैटल मशीन, उन्होंने मिलकर टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर दिया। वाओ, व्हाट अ स्ट्रेटजी, इट्स वर्किंग। एक जायंट हमारा बचा हुआ है, वो पूरा डैमेज ले जाएगा आर्चर टावर का जिससे कैनन कार्ड्स बच जाएंगे और हमारे कैनन कार्ड्स, जायंट्स और बॉम्बर्स मिलके अटैक को 3 स्टार की तरफ ले जाएंगे। अगर आपके ट्रूप्स मैक्स है तो आप हायर लेवल ट्रॉफीज पे भी इससे 3 स्टार ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत मस्त है।
और ये कुछ ट्रैप की वजह से जायंट जा चुका है, पर ये देखिए हमारे कैनन कार्ड्स ने बेस को क्लियर आउट कर दिया और हमारा अटैक कर दिया है 3 स्टार। वाओ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। देखिए ओपोनेंट ने मुझे दिया था 72% डैमेज विद फुल ट्रूप्स, और हम जाते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। ये भी एक 8 मैक्स बेस है, तो हमने बॉम्बर्स डाल दिए, 4 जायंट्स, फिर कैनन कार्ड्स, पैकास, बैटल मशीन और बाकी के जायंट्स भी डाल देंगे। क्रशर की ओर वो बढ़ रहे, कैनन कार्ड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और ये हमारे कैनन कार्ड्स चारों तरफ से अटैक करेंगे। बीच में आप देख सकते हैं बैटल मशीन और जायंट्स, और दूसरे एक कॉर्नर पे है जायंट्स और पेका, और ये रोस्टर डाउन हो चुका है, लावा लॉन्चर भी डाउन। अब बचा है मेगा टेस्ला और जायंट कैनन। ये चार मेन बिल्डिंग्स होती है जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाती है, और क्रशर का ग्राउंड अटैक में खास बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। ये देखिए क्रशर का डैमेज। तो हम ये अटैक 66% डैमेज दे पाए विद 2 स्टार्स। देखिए ओपोनेंट ने क्या किया, ओपोनेंट ने मुझे दिया है 45% डैमेज विद 1 स्टार, और आप देखिए वो हॉग राइडर यूज़ कर रहा था जो मैक्स लेवल के है, फिर भी वो 50 पार नहीं कर पाया। इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी वर्किंग है और बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। चलिए देखते हैं और एक अटैक। ओह, ये एक फोटो फ्रेम टाइप का बेस भी है, वाह। और ये आप देख सकते हैं एक फुल 9 मैक्स बेस है ये भी, और हम इसे भी अटैक करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है। ये हमने 4 जायंट्स डाल दिए, फिर बॉम्बर्स, कैनन कार्ड्स, पैकास, बैटल मशीन और बाकी के जायंट्स भी डिप्लॉय कर देंगे हम। कैनन कार्ड्स कॉर्नर में जा रहे, बीच में भी है, और ये बॉम्बर्स ने वॉल तोड़ दी जिससे कि हमारे पैकास और जायंट्स अंदर गए। कैनन कार्ड हमारा प्रोटेक्टेड है, ये साइड पे आप देख सकते हैं 4 है, वो जायंट बॉम्ब ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बेस टफ है क्योंकि ये मैक्स है और हम मैक्स नहीं है। अब क्या हम इसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ये वर्सेस बैटल हम जीत पाएंगे। ये क्रशर की ओर बढ़ते हुए, क्रशर हो चुका है एक डिस्ट्रॉय, और बैटल मशीन अब हमारा टाउन हॉल की तरफ है। सुपर पेका के ब्लास्ट से आर्चर टावर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये हमारा कैनन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। इस पर कोई अभी अटैक नहीं कर रहा है, तो ईजिली टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब इस पर अटैक होगा मेगा टेस्ला का। देखिए डैमेज हो चुका है ये। अब हमारे 2 बॉम्बर्स बचे जो आप देख सकते हैं थोड़ा दूर है डिफेंसिस से, तो उन्हें हम थोड़ी देर तक अटैक करने देंगे, जितना वो क्लियर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा अपोनेंट मैक्स बंदा है तो वो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा उसके मैक्स ट्रूप्स के साथ, और हमारे ट्रूप जो कि मैक्स नहीं है, देखते हैं वो उसके बेस के खिलाफ जीत पाएंगे या नहीं। और ये बॉम्बर फायर क्रैकर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके आगे इसको डबल कैनन ने उड़ा दिया है। देखिए अब ओपोनेंट ने क्या किया होगा, और ये ओपोनेंट ने 54% डैमेज दिया, यानी कि हम ये वर्सेस बैटल जीत चुके हैं। वाओ गाइस, दिस स्ट्रेटजी इज रियली ग्रेट। चलिए फिर देखते हैं एक और अटैक। ओह, हमें आज 9 मैक्स बेस ही मिल रहे, भी हम अटैक करने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए ये भी एक फुल ऑन 9 मैक्स बेस है, क्योंकि हमारी 4000 प्लस ट्रॉफीज है, क्योंकि हमें हायर ट्रॉफीज पे हायर लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे, तो मुझे सब 9 मैक्स प्लेयर मिल रहे हैं और मैं हूँ सिर्फ 8 मैक्स। चलिए फिर हम इनसे जीतने की कोशिश करेंगे। हमने डाल दिया जायंट्स, बॉम्बर्स, फिर पैका, बैटल मशीन और बचे हुए जायंट्स डिप्लॉय कर दिए हमने। बॉम्बर वॉल्स तोड़ते हुए और जायंट्स डिफेंसिस की ओर बढ़ते हुए, और पैका, बैटल मशीन और कैनन कार्ड उनकी हेल्प करेंगे डिफेंसिस को क्लियर करने में। ये देखिए एक कैनन कार्ड मेगा टेस्ला की ओर बढ़ा था, और ये हमारा क्रशर की ओर, क्रशर हो चुका है डिस्ट्रॉय, मेगा टेस्ला को थोड़ा डैमेज मिला है, ये दूसरा क्रशर भी हो गया डिस्ट्रॉय थैंक्स टू कैनन कार्ड एंड जायंट्स। और ये मेगा टेस्ला को कैनन कार्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मेगा टेस्ला का फोकस था बैटल मशीन पर,
इस तरह हमारे कैनन कार्ड पीछे से बहुत डैमेज दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आगे आए तो फिर वो इजीली जा सकते हैं। ये देखिए, जाते जाते अभी कैनन कार्ड हमारा हिडन टेस्ला को ले गया, जिससे हम कर पाए 64% डैमेज विद 2 स्टार। वाओ, तो हम वो अटैक जीत चुके थे। चलिए देखते हैं, एक लाइव अटैक हम करेंगे अपने ओपोनेंट पे। हम डालेंगे पहले बॉम्बर्स, ये थोड़ा इसमें दूर था, क्योंकि वॉल्स ही नहीं टूटेंगे तो फिर हम अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए हमने पहले बॉम्बर्स डाले, फिर जायंट्स, फिर सुपर पैका, बैटल मशीन एंड कैनन कार्ड्स, फिर बचे हुए 4 जायंट्स भी हमने डाल देने हैं। सब अंदर जाते हुए ये देखिए, जायंट्स क्रशर के पास जा रहे हैं और बैटल मशीन और सुपर पैका ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। फुल ऑन हमारे जायंट्स अंदर है डिफेंसिस के ऊपर, बैटल मशीन बचा हुआ है, सुपर बैका हो चुका है डिस्ट्रॉय, और ये टीएच हमारे कैनन कार्ड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेगा टेस्ला बचा हुआ है और एक क्रशर, मेगा टेस्ला भी हो चुका है डिस्ट्रॉय, और अब हमारा क्रशर बचा हुआ है जो जायंट्स को डिस्ट्रॉय कर जाएगा। फिर भी हमारा बहुत सारा डैमेज मिल चुका है, 68% इज नॉट बैड विद 2 स्टार। देखिए हमें लास्ट जाते हुए हमें 72% डैमेज मिला है विद 2 स्टार। एक बॉम्बर बचा था जो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए हमने एंड कर दिया। ये देखिए, ओपोनेंट 50% भी नहीं कर पाया। इसका पैका लो लेवल का है तो इसे ब्लेम नहीं कर सकते हम, फिर भी इसने अच्छी कोशिश की है हमारे बेस पर 47% करके भी। कई मैक्स प्लेयर भी मेरे बेस पर 40 के ऊपर जा नहीं पाए, ये बेस है ही बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं और एक अटैक, एक स्ट्रेट बेस है ये, तो हम पहले डालेंगे बॉम्बर्स, पहले हम जायंट डाल देंगे, ये इसका आर्चर टावर इधर ही था, फिर जायंट्स और डाल देंगे, कैनन कार्ड, बैटल मशीन, सुपर बैका, जायंट्स पूरे अंदर जाते हुए, और ये लावा लॉन्चर के जैसे थोड़े हमारे कैनन कार्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पर 3 बचे हुए अभी भी, जो हमारे अटैक को इजीली आगे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पैका हमारा मेगा टेस्ला की तरफ बढ़ चुका है। पैका मेगा टेस्ला को डिस्ट्रॉय कर गया, जायंट कैनन भी हो चुका है डिस्ट्रॉय, 2 क्रशर्स बचे, 1 रोस्टर बचा है, रोस्टर को भी पैका ले जाएगा, रोस्टर भी चला गया, अब बचे 2 क्रशर्स, 1 क्रशर बच गया, लेकिन हमारे कैनन कार्ड ने टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे कि हमारे हो चुके हैं 2 स्टार्स, और अब हमारा बैटल मशीन बचा है, देखिए वो कितना ले जाएगा, 70 के ऊपर तो हम चले जाएंगे इजीली, और ये 70% डैमेज हो चुका है, 72, 74, और अब हमारा बैटल मशीन हो चुका है डिस्ट्रॉय। चलिए अब देखते हैं ओपोनेंट ने क्या किया है, हम जीत चुके हैं ये अटैक। ओपोनेंट ने 58% किया था, उसने एयर आर्मी यूज़ की थी, एयर आर्मी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्डर बेस के लिए, जो आपको 80% तक का डैमेज दे सकती है अगर आप उसको अच्छे से यूज करें। ये देखिए आप ओपोनेंट का अटैक, टाउन हॉल उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका बैटल मशीन देखिए क्रशर के पास ही उड़ जाएगा, इसे कहते हैं एक बढ़िया बेस। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।